गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में कॉमर्शियल लॉ का सारा चैप्टर पढ़ेंगे। सारा चैप्टर का मैं शॉर्ट समरी करा दूंगा, एक मैराथन हो जाएगा सारा चैप्टर का, सोच लीजिए। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सारा कवर है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस में कवर किया हूँ और एकदम शॉर्ट वे में कवर किया हूँ। जितना आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, जितना रेलिवेंट है वो कवर किया हूँ। और मेरा एक शॉर्ट समरी का बुक भी है, वो भी आपको चाहिए तो मेरा चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए लेवल 2 में। अभी ऑफर भी लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल लिखा हुआ है। आप यदि ज्वाइन करेंगे तो आपको शॉर्ट समरी की एक बुक भी मिलेगी मेरी। मैं आपको सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स प्लस आईडीटी प्लस ऑडिट प्लस ओएमएसएम का सारा क्लास करा दूंगा। सारी की शॉर्ट समरी विथ बुक भी मिल जाएगी आपको पीडीएफ। मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, ठीक है। कॉमर्शियल लॉ का चैप्टर वाइज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज हम लोग करेंगे एलएलपी एक्ट 2008। ध्यान से सुनिएगा, 10 से 15 मिनट का शॉर्ट रिवीजन देंगे। उसमें आपका पूरा स्कैनर सॉल्व होगा, प्लस पूरा जितना टॉपिक में जितना पॉइंट है, जितना सिलेबस में जितना दिया हुआ सब कवर होगा। डायरेक्टली क्लास में आ रहे हैं। और एक क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दे रहा हूँ, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस मेरा सारा क्लासेस चाहिए तो मेरे जाके मेरे चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिए लेवल 2 में, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। शॉर्ट रिविजन, एकदम कंसेंट्रेशन रखिएगा, 10 मिनट सुनिए, ध्यान से याद हो जाएगा सारा चीज। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स। जो मैं रेड से हाईलाइटेड किया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स, ठीक है। अब देखिए, सुनिए एलएलपी होता है, याद देखिए, टू और मोर पर्सन एसोसिएट फॉर कैरिंग लॉफुल बिजनेस। मतलब दो और 200 ज्यादा आदमी कोई बिजनेस को लीगल फॉर्म में करना चाहते हैं, मतलब दो और दो से ज्यादा आदमी एसोसिएट हो रहे हैं बिजनेस करने के लिए, किस फॉर्म में? लीगल फॉर्म में। वर्ड याद रखिएगा, लीगल फॉर्म, लीगल पर्पस, लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। इंडिया में सिर्फ कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला हुआ है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ के हिसाब से वो एक अलग आइडेंटिटी है उसका। एक कंपनी का डायरेक्टर अलग होता है, कंपनी अलग होता है, ठीक है। ध्यान से अब सुनिए कि एलएलपी होता है क्या। एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। हाइब्रिड मतलब कम्बो, मतलब कॉम्बिनेशन है कंपनी का भी एंड पार्टनरशिप फॉर्म का भी। इसका मतलब बोलना क्या चाहता है, देखिए एलएलपी में क्या है, दोनों का बेनिफिट है, कंपनी का भी बेनिफिट है और पार्टनरशिप फॉर्म का भी बेनिफिट है। याद रखिए, मींस इट्स प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान से सुनिए, एलएलपी क्या होता है, एलएलपी इज हाइब्रिड बिटवीन, मतलब कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म का कॉम्बो है, मतलब कंपनी का भी बेनिफिट है इसमें और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों का बेनिफिट है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इट्स प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। एलएलपी का सिंपल सा फॉर्मूला है, बेनिफिट ऑफ कंपनी प्लस बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आप लिख देंगे, कंपनी का बेनिफिट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। एंड पार्टनरशिप फॉर्म का बेनिफिट क्या था, इजी फॉर्मेशन होता था प्लस लेस लीगल फॉर्मेलिटीज है। तो एलएलपी में भी फॉर्मेलिटी जो लीगल कंप्लायंसेस है कम होते हैं एज कम्पेयर टू कंपनी। तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, एलएलपी क्या है, जब एलएलपी कब होता है, जब दो और दो से ज्यादा आदमी एसोसिएट होते हैं लीगल फॉर्म में बिजनेस करने के लिए। याद रखिए, कीवर्ड आपको याद रखना है, एलएलपी क्या है, हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब एलएलपी क्या है, दोनों का फीचर्स है एलएलपी में, कंपनी का भी एंड पार्टनरशिप फॉर्म का भी। और दोनों का फीचर क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कीवर्ड याद रखिए, इस लाइन को मत भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ से ये समझ में आ गया कि एलएलपी में मिनिमम दो आदमी होना चाहिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है टू और टू पर्सन, टू और मोर पर्सन एसोसिएट फॉर लॉफुल बिजनेस, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार का एग्जाम के लिए बहुत बार आया है, फीचर्स ऑफ एलएलपी, ठीक है। अब बच्चा लोगों को याद कैसे रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपने कंपनी का फीचर हर एक बच्चा जानता है सीएमए इंटर का, ठीक है। कंपनी का क्या क्या फीचर है वो भी लिख देंगे तो राइट, क्योंकि एलएलपी बनता ही है, कंपनी का बेनिफिट उसको मिलेगा प्लस फर्म का बेनिफिट मिलेगा, मतलब कंपनी का सारा फीचर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने रेड हाइलाइटेड करके दिया क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलपी का पहला फीचर क्या, इट्स ए बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी। एलएलपी अलग, एक तो अलग स्टेटस, लीगल स्टेटस अलग मिलता है एलएलपी को, उसका पार्टनर को अलग मिलता है,
ठीक है, तो इसका सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी या बॉडी कॉर्पोरेट बोल लीजिए, एक ही बात है। दूसरा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी, देखिए कंपनी का डायरेक्टर मर जाता है तो कंपनी नहीं खत्म होता है, दूसरा डायरेक्टर उसको चला सकता है, तो हमेशा जिंदा रहना, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है। तो सीधा पहला क्या, बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। या देखिए इसका लाइबिलिटी कितना है, जितना देखिए पार्टनरशिप का बेनिफिट था, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब इसका लाइबिलिटी, इसका जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी सिर्फ जितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, जितना पैसा लगाएगा उन लोग एलएलपी में उतना तक ही लाइबिलिटी रहेगा, तो लिमिटेड लाइबिलिटी। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, या देखिए मिनिमम एलएलपी में दो पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिटेड नहीं है, यूएन मतलब अनलिमिटेड, मिनिमम दो मैक्सिमम अनलिमिटेड, याद रखिए। तो याद रखिए, और एक तो प्लस बेनिफिट है, इंडिविजुअल ऑब्लिक बॉडी कॉर्पोरेट बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी। यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी एलएलपी का पार्टनर बनना चाहे तो बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। देखिए, और एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए कम से कम दो डायरेक्टर होने चाहिए, सेम फीचर है एलएलपी में भी, दो डायरेक्टर दो पार्टनर होने चाहिए, उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनी का जो मैनेजमेंट देखता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स, एलएलपी का जो मैनेजमेंट देखता है उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है एलएलपी, क्या चीज के लिए बिजनेस करता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, याद रखिए। इसका मतलब कोई चैरिटेबल पर्पस का एलएलपी बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है, एलएलपी का कन्वर्जन हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी हो सकता है, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, कोई फर्म चाहे तो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जैसा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है एलएलपी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, नोटिस वोटिस रिसीव करने के लिए, और लास्ट वर्ड में एलएलपी लगाया जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड। कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड यूज होता है, इसमें एलएलपी होगा। पब्लिक कंपनी में क्या है, लिमिटेड वर्ड यूज होता है, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड यूज होता है, इसलिए यहाँ पर एलएलपी यूज होगा। सेम कंपनी वाला फीचर है, एक बार शॉर्ट में फिर से रिविजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों में से कोई भी वर्ड याद रहा, पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, सक्सेशन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स करेगा, तीसरा मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉम द पार्टनर ऑफ एलएलपी, चौथा दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, कंपनी में दो डायरेक्टर चाहिए, इसमें दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। बिजनेस क्या चीज के लिए करेगा, प्रॉफिट के लिए, कन्वर्जन हो सकता है एलएलपी का, रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी के लिए चाहिए, लास्ट वर्ड एलएलपी होना चाहिए, बस। इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली कीवर्ड याद रखिएगा, आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा भाषा में क्या करना चाहिए, आप बताइए। सिंपल सा, हमको कुछ नहीं आता तो हमको ये पता है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है आगे उसका अप्रूवल लेंगे, फिर कंपनी का जो शेयर होल्डर है जो कंपनी का मालिक लोगे उसका अप्रूवल लिया जाएगा, कन्वर्जन करना चाह रहा, तो ये तो बेसिक चीज है। उसके बाद क्या होगा, यदि कंपनी में कुछ भी चेंज करते हैं तो आरओसी में अपने फाइल करते हैं और आरओसी उसके रिगार्ड में कोई सर्टिफिकेट इशू करता है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक, अब इसको लीगल भाषा में कैसे लिखते हैं, टेकिंग बोर्ड अप्रूवल बाय पासिंग स्पेशल, बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टेकिंग बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, तीसरा आरओसी के पास एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी, मेरे को वो नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए आरओसी को एप्लीकेशन देंगे नेम अवेलेबिलिटी का, फिर कन्वर्जन का फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म 18 आरओसी के पास। आरओसी के पास दो फॉर्म आगे, नेम अवेलेबिलिटी, नेम अवेलेबल है या नहीं, दूसरा कन्वर्जन का, दो फॉर्म हो गया। उसके बाद आरओसी क्या करेगा, यदि वो जिस सब चीज ओके रहा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने के बाद आप एक चीज और आरओसी के पास फाइल करते हैं, फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तीन चीज आपको याद रखना है, सबसे पहला बोर्ड का अप्रूवल और शेयर होल्डर का अप्रूवल, ये कॉमन है। आरओसी, आरओसी के पास तीन चीज फाइल होता है, पहले नेम अवेलेबिलिटी का फॉर्म फाइल होगा, दूसरा बात फॉर्म 18 फाइल होगा और फॉर्म 3 फाइल होगा आरओसी के पास, एट लास्ट आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। कैसे याद रखना है, ये चार चार पांच पॉइंट चीज याद रखना है बस। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ध्यान से सुनिए, ये शॉर्ट रिवीजन है इसलिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करना चाह रहा है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला
15 आरओसी के पास फाइल करेगा विद इन 30 डेज। आपको याद रखना, ई फॉर्म याद रखने का दरकार नहीं, क्योंकि आजकल सारा ई फॉर्म ही हो चुका है। तो फॉर्म 15 आरओसी के पास फाइल करेगा, याद रखिएगा, 30 दिन के अंदर, जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा वहां से 30 दिन के अंदर वो फॉर्म 15 आरओसी के पास फाइल करेगा। उस फॉर्म के साथ क्या लगाएगा? प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो नया रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका प्रूफ लगाएगा, उसका एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता है, ठीक है? तो प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस लगाएगा उस फॉर्म के साथ, फॉर्म 15 के साथ। उसके बाद क्या करेगा, वो एक न्यूज़पेपर में एड देगा विद इन 21 डेज के अंदर कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है। यदि ऐसा नहीं करता है एलएलपी तो 2000 से 25000 का पेनल्टी लग जाएगा। तीन चीजें याद रखना है, फॉर्म 15, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ, चौथा पब्लिक अनाउंसमेंट। थर्ड पॉइंट, तीन पॉइंट याद रखना बस, ठीक है? वाइंडिंग ऑफ एलएलपी, वाइंडिंग का मतलब एलएलपी को गवर्नमेंट बंद कर देता है, मतलब बंद करो एलएलपी, जब आरओसी ऑर्डर दे देता है बंद करो या खुद बंद हो जाता है, ठीक? किस ग्राउंड में हो जाता है, देखिए, इफ नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस बिलो 2 और 6 मंथ एक्सपायर, मतलब एलएलपी में बोला गया मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए। यदि 2 पार्टनर से कम हो जाता है, एक पार्टनर का डेथ हो गया, मतलब 2 पार्टनर से कम हो गया और 6 महीना एक्सपायर भी हो गया, तब उस एलएलपी का वाइंडिंग अप हो जाएगा। दूसरा, अनेबल टू पे स्टेप, अपना डेब्ट पे नहीं कर पा रहा है, वो उस कंपनी का रहने का दरकार नहीं है जो अपना लाइबिलिटी ही नहीं पे पाए कर पा रहा है, ठीक है? तीसरा बोलता है डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, वो आरओसी फॉर 5 ईयर, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 साल का फाइल नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअल 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? और ट्रिब्यूनल, यदि कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ओपिनियन है कि इसको बंद कर देना चाहिए, फ्रॉड वर्ड का केस में उन लोग ओपिनियन देता है बंद कर देना चाहिए। 4 पॉइंट याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस बिलो 2, नंबर ऑफ पार्टनर 2 से नीचे हो जाए, अपना डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पाए, फिनेंशियल स्टेटमेंट 5 साल का नहीं फाइल करेगा और ट्रिब्यूनल को लगेगा तो वह ऐसा ऑर्डर दे सकता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एनुअल रिटर्न, एलएलपी को अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 11 में फाइल करना पड़ता है Within 60 days of closure of financial year, financial year जहां से close होगा, मार्च में close होगा, वहां से 60 दिन के अंदर अपना annual returns file करना पड़ता है। LLP को annual return कब file करना पड़ता है? 60 दिन of the closure of the financial year, कौन सा form में? Form 11, याद रखिएगा बस। Accounts audited, कब LLP को अपना books of accounts audit कराना पड़ेगा? यदि उसका turnover 40 लाख से ज्यादा है या contributions, इनकम सपोज या कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है 25 लाख से ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में एलएलपी को अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। कब? टर्नओवर 40 लाख और कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा होगा तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराना पड़ेगा। बस इतना ही जानना और ज्यादा नहीं है। फॉरन एलएलपी क्या होता है? फॉरन एलएलपी फाइल टू आरओसी फॉर्म 27 विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिश ए प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। कोई भी फॉरन का एलएलपी इंडिया में यदि प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करता है तो उसको फॉर्म 27 आरओसी में फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर, 30 डेज याद रखना फॉर्म नंबर 27। आगे, फॉरेन नेशंस कैन आल्सो बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी, कोई यदि फॉरेन नेशनल्स कोई है वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, सिंपल सा चीज है। अब देखिए, ऑथराइज कैपिटल, एलएलपी के लिए आज के दिन इंडिया में कोई ऑथराइज कैपिटल नहीं है, नल ऑथराइज कैपिटल होगा एलएलपी का। नेक्स्ट क्या है? विशन ब्लाउजिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई कोर्ट और ट्रिब्यूनल चाहे कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी ऑफ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी, सच पार्टनर और एम्प्लॉय प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये बोलना चाहता है यदि कोई एलएलपी का पार्टनर है या एम्प्लॉय है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस एलएलपी के ऊपर, उसमें उसका हेल्प कर देगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसको देगा कोर्ट और ट्रिब्यूनल को, यदि वो हेल्प करता है कोई इन्वेस्टिगेशन में, तो इसी कंसेप्ट को विसिल ब्लोइंग बोलते हैं। एलएलपी में इतना क्वेश्चन मोर देन इनफ है, ठीक है? यदि मेरा सारा क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को जाके लेवल 2 में ज्वाइन होना चाहिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर बहुत टफ है लेकिन मैं इस चैप्टर को इतना इजी बना दिया हूँ कि आप 15 मिनट ध्यान से सुनेंगे पूरा दिमाग में घुस जाएगा, और जितना क्वेश्चन कराएंगे मोर देन इनफ है। सारा स्कैनर सॉल्व है और आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस
कवर है, जितना आपके लिए रेलेवेंट है। ध्यान से सुनिएगा, और मेरा क्लासेस आपको चाहिए तो मेरे चैनल को जाके DB2 में ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा विथ नोट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब हम अपना पैसा का राइट आपको दे रहे हैं, समझ में आए? आपको दे रहे हैं मतलब सपोज मेरा बैंक में 10,000 रुपया है, उसका राइट, उसका अधिकार आपको दे दे रहे हैं। कैसे? हम आपको 10,000 रुपया का चेक दे दिए सपोज, तो आप क्या किए, बैंक में गए, चेक दिखा के वो पैसा आप निकाल लिए, तो अल्टीमेटली मेरा पैसा का राइट क्या हो गया, आपको मिल गया, मतलब मेरा एसेट, मेरा पैसा आपको मिल गया। उसी को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम अपना पैसा का राइट आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अपना एसेट का राइट आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे आपको बेसिक क्या है बता रहे हैं, फिर एग्जाम में कैसे लिखना है वो बताएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दो वर्ड इसमें मिलके बना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट रिविजन है 15 मिनट का। नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई भी चीज हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच एनी राइट इज ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम अपना राइट ट्रांसफर कर रहे हैं। राइट मतलब मेरा पैसा और एसेट का राइट दूसरा को देना। एग्जाम्पल ये चेक, अभी बताए थे चेक के थ्रू हम अपना पैसा आपको दे पा रहे हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है घुमा पे रहके, कि हम अपना पैसा का राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो किसी और को जब हम अपना पैसा का राइट, अपना एसेट का राइट ट्रांसफर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हैं, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल सा मीनिंग ये बोल सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए आपको एग्जाम में क्या लिखना है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपको ऐसे लिखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। आगे क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा चीनों का मीनिंग। आगे सिंपल सा मीनिंग आपको ये लिखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब तीन चीज होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। चेक दो प्रकार का होता है, ऑर्डरर चेक भी हो सकता है, बियरर चेक भी हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। तो यदि क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आगे आपको सेक्शन 13(1) का ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दो वर्ड बन के मिले, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच एनी राइट इज ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, फिर ये लिखना है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, एक डॉक्यूमेंट है जिसके कारण हम अपना पैसा का राइट, अपना एसेट का राइट किसी और के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन प्रकार का होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। ठीक है, फर्दर चेक दो प्रकार का होता है वो लिख लीजिएगा। अब देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछता है, तो यही लिखना है जितना लिखा है, उसके ज्यादा पढ़ेंगे तो याद भी नहीं, और ये एकदम रेलिवेंट। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या एग्जाम में आता है, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच देयर आर थ्री पार्टीज, ड्रोअर, ड्रोइंग एंड पेइंग। सिर्फ इतना ही लिखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बीच तीन पार्टी होती है, ड्रोअर, ड्रोइंग एंड पेइंग। बस एग्जाम्पल सुन लीजिए, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है, फंडा समझ में आ जाएगा। ए सप्लाई गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट ऑफ 10 लाख, ए बी को 10 लाख रुपया का माल बेचते हैं क्रेडिट में। ठीक है, अब ए ड्रो ए बिल्स ऑफ 10 लाख्स टू बी, ऑब्वियसली ए जब बी को 10 लाख रुपया का माल बेच रहा है क्रेडिट में, ए क्या करेगा, बी के लिए 10 लाख का बिल रेज करेगा, जो माल बेचा उसका बिल रेज करेगा। ठीक है, जब ए ने बी को 10 लाख रुपया का माल बेचा, ए ने बिल रेज कर दिया 10 लाख रुपया का, अब बी ने क्या किया, उसके बिहाफ में ए को 10 लाख रुपया का चेक दे दिया। सिंपल सा बात है, बी सुए चेक ऑफ एक्सिस बैंक का 10 लाख रुपया का चेक दे दिया। जो तीन पार्टी होता है, ध्यान से सुनिएगा, ड्रोअर, ड्रोइंग एंड पेइंग कौन होता है, ए इज द ड्रोअर, जो बिल ड्रो कर रहा है उसको बोलते हैं ड्रोअर, बी इज द ड्रोइंग, जो बिल रिसीव कर रहा है, और पे कौन हो गया यहाँ पर, एक्सिस बैंक, जो बैंक पेमेंट करेगा उसको बोलते हैं पे। सिंपल सा तीन पार्टी, उससे ज्यादा याद नहीं रखना। दूसरा है प्रोमिसरी नोट, क्या होता है ध्यान से सुनिए, प्रोमिसरी नोट क्या है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इन विच ए पर्सन प्रोमिस टू पे सम मनी टू अनदर पर्सन। प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक आदमी प्रोमिस करता है दूसरा आदमी को कि हम पैसा दे देंगे तुमको,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच ए पर्सन प्रोमिस टू पे सम मनी टू अनदर पर्सन, ठीक है, इन विच देर आर टू पार्टीज, मेकर एंड पे। कुछ याद नहीं रहा, इट प्रोमिसरी नोट में लिख दीजिएगा, इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच देर आर टू पार्टी, दैट इज कॉल्ड मेकर एंड पे। बस प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बीच दो पार्टी होती है, मेकर एंड पे, बस ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेंगे, फंडा समझ में आ जाएगा। ए गिवन लोन्स टू बी, ए ने बी को लोन दिया और बी प्रोमिस टू रिटर्न दिस लोन विद इन 3 months, बी ने प्रोमिस कर दिया कि हम 3 महीना के अंदर तुम्हारा लोन का पैसा दे देंगे और एक प्रोमिसरी नोट बना लिया, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, मेकर एंड पे कौन होता है? बी इज द मेकर, जो पर्सन प्रोमिसरी नोट बना रहा है उसको बोलते हैं मेकर, एंड ए इज द पे जो पेमेंट कर रहा है। समझ में आया? प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच ए पर्सन प्रोमिस टू पे सम मनी टू अनदर पर्सन, ठीक है, सिंपल सा चीज। अब आ जाए चेक। चेक सब जानता है, इट्स ए काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक प्रकार का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसमें 3 पार्टी होता है। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉइन, पे, सब जानते हैं, इसको बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इस फंडा को समझ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको सुनने में, ठीक है। देखिए होल्डर इन ड्यू प्रॉफिट, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है डी जूरे, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, खाली डी जूरे लिखा रहेगा। व्हाट इज डी जूरे? तो डी जूरे मंस होता है एज पर लो, और इसका सिंपल मीनिंग है लीगल ओनर ऑफ द चेक। चेक का लीगल ओनर को डी जूरे बोलते हैं, एज पर लो याद रखिएगा। डी जूरे मीन्स एज पर लो, दैट मीन्स लीगल ओनर ऑफ द चेक। डी फैक्टो मीन्स एज पर फैक्ट, मतलब पोजिशन होल्डर ऑफ द चेक, ठीक है, चीज को समझिए, पोजिशन होल्डर ऑफ चेक, पर्सन हु होल्ड और ऑब्टेन द चेक, जिसके पास चेक है, ठीक है। सपोज मैंने मिस्टर एक्स को चेक इशू किया, ठीक है, लेकिन मैंने मिस्टर एक्स को नाम लिख के नहीं दिया चेक, और चेक कहीं खो गया। मिस्टर एक्स को दिया था और चेक मिस्टर एक्स ने कहीं खो दिया, ठीक है, वो मिला किस मिस्टर एबीसी को मिला, तो क्या होता है वो, मैंने क्या, देखिए पोजिशन होल्डर ऑफ द चेक क्या है, जिसको चेक गिरा हुआ मिला। अब आगे एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा, सिर्फ यहां मतलब समझिए। डी जूरे मींस लीगल ओनर ऑफ द चेक, डी फैक्टो मींस पर्सन हु ऑब्टेन द चेक, दो चीज का मीनिंग है। डी जूरे लीगल ओनर को बोलते हैं, डी फैक्टो जिसके पास चेक है, पोजीशन होल्डर को बोलते हैं। बस होल्डर मींस और होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब समझे। होल्डर इन लो, ठीक है, होल्डर इन लो दैट मींस होल्डर का सिंपल सा मीनिंग होता है लीगल ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, काम खत्म। होल्डर इज नोन एज डी जूरे, डी जूरे को ही होल्डर बोलते हैं, मतलब ही होल्ड द टाइटल एंड राइट्स ऑन द चेक, मतलब लीगल ओनर ऑफ द चेक को ही होल्डर बोलते हैं, जिसके पास टाइटल एंड राइट है चेक का। होल्डर इन ड्यू कोर्स ए पर्सन हु ऑब्टेन द चेक ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्टिव टाइटल मतलब किसी और का गलती से, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को वो चेक मिला है, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स का कोई गलती नहीं है, कोई और फ्रॉड करके उसको चेक दिया है। सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पर एग्जांपल कराएंगे समझ में आ जाएगा। ए पर्सन हु ऑब्टेन द चेक ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्टिव टाइटल का मीनिंग आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा, ध्यान से इस एग्जांपल को सुनिए। बी सप्लाई गुड्स टू ए, बी ने ए को माल बेचा, ऑब्वियसली ए को माल बेचा है तो ए पैसा देगा। ए इशू ए चेक टू बी ऑफ 10 lakhs फॉर सप्लाई, ठीक है, बी ने ए को 10 lakh rupees का माल बेचा और ए ने बी को 10 lakh rupees का चेक दे दिया उस माल के बदले, लेकिन क्या किया, पेबल नेम इज मिसिंग इन द चेक, ठीक है। बी ने ए को माल बेचा 10 lakh rupees का, ए ने बी को चेक दिया लेकिन उसका नाम लिखना भूल गया, उसको स्पेलिंग प्रॉपर नहीं आ रहा था तो ब्लैंक चेक उसको दे दिया, ठीक है, बी को ब्लैंक चेक दे दिया। अल्टीमेट जो चेक का हकदार किसका है, लीगल मालिक कौन हो गया चेक का, बी, क्योंकि बी के नाम पे चेक था, तो लीगल ओनर ऑफ द चेक कौन हो गया, होल्डर को बोलते हैं, तो बी इज द होल्डर ऑफ दैट चेक, ठीक है। अब क्या हुआ आगे सुनिए, होल्डर समझ में आ गया, जिसका उस पैसे पे हक है उसी को बोलते हैं होल्डर, ठीक है। बी इज द होल्डर ऑफ, बी लॉस द चेक एंड सी गेट द चेक, बी से गलती से वो चेक कहीं गिर गया, ठीक है, वो चेक मिल गया सी को। अब सी क्या बदमाशी किया, देखिए सी इज नॉट द लीगल ओनर बट ऑब्टेन द चेक, ऑब्टेन द चेक, चेक किसके पास है, जिसको बोलते हैं
होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब पोजीशन जिसके पास चेक है। आगे कहानी सुनिए क्या हुआ। फर्दर मिस्टर डी इज द क्रेडिटर ऑफ मिस्टर सी। डी सी से पैसा पाता था तो क्या किया, ठीक है अब देखिए। फर्दर मिस्टर डी इज द क्रेडिटर ऑफ मिस्टर सी, ठीक है। अब मिस्टर सी इशू दिस चेक टू मिस्टर डी। अब क्या किया सी ने, क्या बदमाशी किया सी, सी से डी पैसा पाता था तो सी ने जान करके वो जो चेक उसको गलती से मिला था, बदमाशी से मिला था, वो डी को दे दिया। ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, गलती बदमाश कौन है, सी है। अब कोई बदमाशी करता है तो सबसे पहला चीज को समझिए, डी कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट ऑल प्रायर पार्टी। डी के पास अधिकार है क्योंकि डी ईमानदार है, उसने कोई गलती नहीं की है, सारा पार्टी के अंदर केस कर सकता है। अब देखिए, डी इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या, ए पर्सन ऑब्टेन द चेक ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल, मतलब किसी और का गलती के कारण चेक उसको मिला है। समझ में आया, डिफेक्टिव टाइटल इसका नहीं है, किसी और का है, मतलब सी का गलती है यहाँ पर, डिफेक्टिव कौन है, सी है। समझ में आया, डी इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। हियर टाइटल ऑफ द चेक इज डिफेक्टिव, टाइटल डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव टाइटल, ठीक है, डिफेक्टिव टाइटल, बट डी हैज नो फॉल्ट, डी का कोई गलती नहीं है, इंटेंशन ऑफ होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स शुड नॉट बी, डी का कोई गलती नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल। तो इस चीज से हमको ये समझ में आया कि अल्टीमेट पैसा का अधिकार किसका है, होल्डर का है, तो बी इज द होल्डर ऑफ दैट चेक, मतलब लीगल ओनर चेक का कौन, बी। और डिफेक्टिव टाइटल किसके पास गलती से चेक आया, बी इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। बस इस एग्जाम्पल को सुन लीजिए, दोनों का फंडा क्लियर है, पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल और समझ में आ रहे। एक तो क्वेश्चन आता है, ठीक है अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, मतलब सपोज डेट मिसिंग है चेक में, अमाउंट मिसिंग है, नेम मिसिंग है, एक्सेट्रा इन चेक, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बस इतना याद रखना। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल में काफी है। सर्कमस्टेंसेस व्हेन द बैंकर रिफ्यूज फॉर पेमेंट, किस केस में बैंक जो है पेमेंट के लिए रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है याद रखिएगा। सपोज व्हेन द कस्टमर हैज डाइड, जिसका अकाउंट है मर गया, अब हम उसका चेक लेके जाएंगे तो बैंक मना कर देगा पेमेंट के लिए, ये आदमी जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। When the customer become insolvent, कोई आदमी insolvent हो गया, declare कर दिया मेरे पास कुछ पैसा नहीं और bank का check देगा, उस case में भी bank मना कर देगा। When the customer become unsound mind, यदि customer unsound mind होगा तब भी उसका check मना कर देगा। When court order for refusing, जब court मना कर दिया कि payment मत दो इसका। When the check is lost और when the account is closed, simple सा 6-7 point आप logically चीज को लिख सकते हैं। सिंपल सा बात, कस्टमर मर गया तब उसका अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया तब नहीं निकाल सकते, अनसाउंड माइंड हो गया तब नहीं निकाल सकते, तीन केस में उसका अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा, बैंक मना कर देगा। मर जाएगा, डाइड हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, अनसाउंड माइंड हो जाएगा, या कोर्ट मना कर देगा इसका अकाउंट से पैसा मत दो, या व्हेन द चेक इज लॉस्ट, जब चेक लॉस्ट हो गया, हम रिपोर्ट लिखा दिए मेरा चेक लॉस्ट हो चुका है या मेरा अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। एकदम दो कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। माइनर इज नॉट लायबल फॉर चेक डिजनर, यदि किसी का चेक डिजनर हो जाता है, यदि माइनर इन्वॉल्व है तो माइनर का कभी भी लायबिलिटी नहीं आता है उसको। ध्यान से सुनिएगा, केस देखिए, मिस्टर ए इशू ए चेक टू ए माइनर नेम, मिस्टर ए ने एक माइनर मिस्टर बी को एक चेक इशू किया, ठीक है। माइनर क्या किया, माइनर बी जो है गिवन दिस चेक टू मिस्टर सी, माइनर ने वो चेक मिस्टर सी को दे दी। ये चेक वाज डिजनर ड्यू टू इनसफिशिएंट, चेक डिजोनर हो गया इनसफिशिएंट फंड के कारण, तो है मिस्टर सी कैन फाइल ए कंप्लेन ओनली अगेंस्ट मिस्टर ए, सी जो है मिस्टर ए के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है, यदि चेक डिजोनर होता है तो माइनर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता है, सिंपल सा चीज। बिल्स इशूड विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन का केस है, ध्यान से सुनिएगा। अजय ड्रो ए बिल्स टू अनूप, अनूप एक्सेप्ट द बिल विदाउट एनी कंसिडरेशन, द बिल इज फर्दर ट्रांसफर टू उदित, उदित विदाउट कंसिडरेशन, उदित ट्रांसफर इट टू बिकी फॉर गेट, ठीक है। हियर इज अ केस ऑफ डिफॉल्ट, यदि डिफॉल्ट होता है तो भी याते के डिफॉल्ट के केस में माइनर के सिलावा कोई भी रहेगा उसके अगेंस्ट प्रायर पार्टी केस किया जा सकता है, तो विकी कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज, याद रखिए, यदि प्रायर पार्टी माइनर रहता तो उसके अगेंस्ट नहीं होगा, बाकी सबके अगेंस्ट हो सकता है। एक तो हुंडी का समझ लीजिए कंसेप्ट, इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रोन इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, हुंडी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो लोकल लैंग्वेज में ड्रो। एग्जाम्पल समझिए, हियर मनी इज ट्रांसफर इनटू कैश, मनी क्या होता है, कैश फॉर्म में
ट्रांसफर किया जाता है। मतलब क्या होता है, मैं हूं भी, मेरे को लीगल पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं पर्ची बना के दे दूंगा कि हाँ इतना रुपया इसको ट्रांसफर कर दो, अपना लीगल भाषा में हिंदी में लिख दे दूंगा। तो क्या है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लोकल लैंग्वेज में होता है और उसमें पैसा कैश फॉर्म में ट्रांसफर होता है और ये इलीगल है यार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हुंडी में नाम दिया है, सार जोक हुंडी, जोखमी हुंडी, नम्स जोक हुंडी, एक्सेट्रा है नाम याद। खाली खाली इतना याद रखिए, हुंडी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो लोकल लैंग्वेज में ड्रॉ होता है और यहाँ पैसा कैश फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, थैंक यू। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इतना है। मेरा क्लास चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग। सीएम इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 करेंगे। ये शॉर्ट रिवीजन है, 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर उड़ा देंगे। सारा स्कैनर एकदम आपका समझ में आएगा, सारा स्कैनर सॉल्व है और जितना रेलेवेंट है इस चैप्टर के लिए सब चीज पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट समरी दे रहे हैं, 15 से 15 मिनट सुनिएगा ध्यान से, पूरा चैप्टर आपको अच्छा से याद हो जाएगा। और यदि मेरा सारा क्लासेस विथ नोट चाहिए तो आप मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स, आईडीटी, ओएमएसएम एंड ऑडिट का सारा क्लासेस मिलेगा विद एमसीक्यू चैप्टर वाइज। डायरेक्टली क्लास में आ रहे हैं, देखिए सबसे पहला चीज पढ़ेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग समझिएगा, रटना नहीं, समझना है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब एक प्रकार का सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब क्या होता है, देखिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर कंसिडरेशन। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर के लिए एग्री कर रहा है, मतलब आज हम बेचेंगे आपको माल या 4 दिन बाद बेचेंगे, एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है। तो चीज को समझिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है गुड्स, गुड्स का ओनरशिप बायर को पैसा लेके, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दो वर्ड है इसमें, देखिए ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सिंपल सा मीनिंग हुआ देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली, ओनरशिप गुड्स का इमीडिएटली ट्रांसफर हो जा रहा है, या एग्री टू ट्रांसफर हो रहा है मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर होगा फ्यूचर डेट में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या एग्री टू ट्रांसफर मतलब ओनरशिप आज ट्रांसफर कर रहे हैं या फ्यूचर टेंस में ट्रांसफर होगा, क्या चीज का, गुड्स का, प्राइस लेके, पैसा लेके। सिंपल सा चीज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, सेलर गुड्स, गुड्स का ओनरशिप आज आपको ट्रांसफर कर रहा है या फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा आपसे पैसा लेके, सिंपल सा मीनिंग यही है। क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सिंपल सा मीनिंग, सेलर आपको गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है आज के दिन इमिडिएटली या फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है, उससे उसके लिए आपसे पैसा लेगा। तो पैसा सीधा सा मतलब है माल बेचने का, सेल का कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं, या सेल इमिडिएटली होगा या फ्यूचर डेट में होगा, बस इससे ज्यादा समझने का नहीं, ये मीनिंग को समझ लीजिए। अब एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के लिए जरूरी एलिमेंट कौन कौन सा है, लॉजिकली समझना है आपको। देखिए रेडिंग से हाईलाइटेड है जो मेन वर्ड है आपको याद रखना है, देर मस्ट बी टू पार्टीज। याद रखिए जब भी एक सेलर और बायर को कुछ माल बेचेगा तो दो पार्टीज होना चाहिए, उसको बोलते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो देर मस्ट बी टू पार्टीज, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स, ऑब्वियसली गुड्स बेचेगा, सेलर बायर को क्या बेचेगा, गुड्स बेचेगा, तो दो पार्टीज होना चाहिए, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उसके रिगार्ड में प्राइस होना चाहिए, ट्रांसफर मस्ट बी टेक प्लेस फॉर प्राइस, या पार्टली केस एंड पार्टली काइंड हो सकता है, फुल्ली काइंड नहीं हो सकता, याद रखना है, ठीक है, फुल्ली केस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज एक कीवर्ड है, दो पार्टीज होना चाहिए, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तीसरा है पैसा जरूर लेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के, उस ट्रांसफर के बावजूद, ठीक है। ट्रांसफर डन या देखिए सेलर और बायर के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए, सिंपल सा है, इट मस्ट बी ए कंडीशनल और एब्सोल्यूट, कॉन्ट्रैक्ट का जो है कोई कंडीशन हो सकता है, बिना कंडीशन के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। पांच वर्ड आपको याद रखना है, दो पार्टीज होना चाहिए, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए,
प्राइज होना चाहिए और बायर और सेलर के बीच में होना चाहिए, कंडीशनल और एब्सोल्यूट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स का मीनिंग को समझिए, बहुत अच्छा वर्ड है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एक्सटर्नल क्लेम एंड मनी। वर्ड को समझना है, सिंपल सा मीनिंग बोलता है गुड्स मतलब हर प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी मनी को छोड़ के। एक्सटर्नल क्लेम का मतलब होता है सपोज, ठीक है, बी हमसे 1,000 रुपया पाता है, ठीक है, चीज को ध्यान से सुनिएगा। बी हमसे 1,000 रुपया पाता है, मतलब हमको बी को 1,000 रुपया देना है, लेकिन हम सी से 1,000 रुपया पाते हैं, तो हम सी को डायरेक्टली बोल दिए कि बी को पैसा दे दो, मेरे बिहाफ में और कोई पेमेंट कर देगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नलेबल क्लेम। मतलब देखिए, मीन्स राइट टू रिसीव मनी, मतलब एक्सटर्नलेबल क्लेम मीन्स राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन, मेरा पैसा का राइट, मेरा पैसा का हक हम किसी और को देते, मतलब इनडायरेक्टली वो हमसे पैसा ले लिया है, इनडायरेक्ट वे में पैसा देने को ही एक्सटर्नलेबल क्लेम बोलते हैं, मनी बोलते हैं, मतलब घुमा फिरा के मनी इन्वॉल्व है। तो गुड्स मतलब आपको याद रखना है ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्सटर्नलेबल क्लेम, एक्सटर्नलेबल क्लेम याद रखना है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होता है, देखिए, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रे ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। क्या क्या याद रखना है, स्टॉक याद रखना है, शेयर याद रखना है, ट्री, ट्री मतलब छोटा ट्री, बड़ा ट्री, सब प्रकार का ट्री, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये छोटा छोटा जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं, और थिंग्स अटैच्ड टू लैंड मतलब ट्री, सिर्फ इतना याद रखना है। तो स्टॉक, शेयर एंड ट्री, ट्री मतलब छोटा बड़ा दोनों, तो छोटा में क्या याद रखा है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, एंड बड़ा थिंग में थिंग्स अटैच्ड टू लैंड काम करता है। फॉर्मूला देखिए मैंने बना दिया, आपको याद रह जाएगा, गुड्स का डेफिनेशन के लिए ये फॉर्मूला काफी है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टीज प्लस, क्या क्या प्लस होगा, स्टॉक, शेयर, क्रॉप्स, ग्रास, ट्री, बस, माइनस मनी एंड एक्सटर्नेबल क्लेम। एक्सटर्नेबल क्लेम मतलब इनडायरेक्ट वे में आप मेरे से पैसा ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है, पैसा, समझ में आया। सिंपल सा इस डेफिनेशन को देखिएगा तो आपको गुड्स का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ द गुड्स, एग्जाम के लिए जो जो शॉर्ट रिविजन है, ठीक है। अब देखिए ज्यादा डीप में समझना तो मेरा डिटेल जा सकना पड़ेगा, शॉर्ट रिविजन को समझिए, इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। टाइप ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स नाम से समझ में आ रहा है, वो एग्जिस्ट करेगा, विच इज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, सॉरी, इन एग्जिस्टेंस लिख दीजिएगा, ठीक है, विच इज एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट लिखना चाहते तो इन मत लिखिए, विच इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओनरशिप और पोजीशन जो है, ओनरशिप और पोजीशन इज विद सेलर, मतलब गुड एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, याद रखिएगा, ठीक है। गुड सेलर के पास है, उसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। फ्यूचर गुड्स क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, फ्यूचर गुड्स है मतलब विच इज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब फ्यूचर में उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, तो गुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड विच इज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉन एज फ्यूचर गुड्स। कंटीजेंट गुड्स बोलता है द गुड्स एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्स, मतलब शिप में माल आएगा बाहर से तो ही हम आपको दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, तो उसका हैपनिंग और नॉन हैपनिंग एक इवेंट्स पे डिपेंड है, उसको बोलते हैं कंटीजेंट गुड्स, मतलब उसका होना नहीं होना एक कंटीजेंसी पे डिपेंड है। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब गुड एग्जिस्ट, सेलर के पास गुड्स है जब वो बेच रहा है। फ्यूचर गुड्स मतलब फ्यूचर में गुड्स को हम बनाएंगे। कंटीजेंट गुड्स मतलब उसका एक्विजिशन होना एक इवेंट पे डिपेंड है। The goods acquisition depends upon happening or non-happening of any events. ठीक है, अब याद रखिएगा existing goods तीन प्रकार का होता है, specified goods, unspecified goods या unascertain goods, ठीक है, और एक होता है ascertain goods, specified goods, ascertain goods and unascertain goods. specified goods मतलब same वही goods चाहिए, मतलब सपोज हम बासमती चावल का आपसे बात कर रहे हैं खरीदेंगे तो आप हमको बासमती चावल ही बेचेंगे, दूसरा चावल नहीं बेचेंगे। गुड्स आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, बता दिया जाता है यही चाहिए,
अनअसर्टेन गुड्स लिखते हैं, उसके बाद असर्टेन बताएंगे। अनअसर्टेन मतलब नॉट आइडेंटिफाई बट डिस्क्राइब। हम बता दिए हैं कि हम आपको चावल बेचेंगे, हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, मतलब कोई भी प्रकार का चावल आपको दे देंगे तो चलेगा, उसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स मतलब जिस चावल का बात है वही बेचेंगे। गुड्स आइडेंटिफाई आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। सिंपल में आपको ये याद रखना है कि एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स में तीन वर्ड याद रखना है। एग्जिस्टिंग गुड्स में गुड एग्जिस्ट करता है सेलर के पास एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, फ्यूचर गुड्स में गुड एग्जिस्ट नहीं करता है सेलर के पास एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ये फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होगा। और कॉन्टिजेंट गुड्स बोलता है जिस गुड्स का एक्विजिशन डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग गुड्स तीन प्रकार का होता है, स्पेसिफाइड गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स मतलब गुड्स आइडेंटिफाई हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, अनअसर्टेन गुड्स में सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, और एक आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद असर्टेन गुड्स बताया जाएगा, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन वर्सेस वारंटी, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम शॉर्ट में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कंडीशंस क्या है, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनवैलिड एंड वॉइड इफ कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कंडीशन क्या है, मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यदि वह कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉलेज कंडीशंस, याद रखिए, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉलेज कंडीशन, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कंडीशन मीन्स एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिए। कंडीशन बिकम इनवैलिड, याद रखिए, इफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनवैलिड एंड वॉइड इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यदि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कंडीशन, मतलब जिस पर्पस के लिए हम गुड्स खरीद रहे हैं वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, यदि वो पर्पस नहीं फुलफिल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड एंड वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए वांट टू बाय ए बाइक विच कीप्स माइलेज एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स, वी सेल ए बाइक विच कीप्स माइलेज ऑफ 30 किलोमीटर्स, हियर कंडीशन इज व्हिच। मिस्टर ए बाइक खरीदना चाहता था, उसका मेन कंडीशन था कि कम से कम 40 किलोमीटर का वो बाइक हमको एवरेज दे। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या था कॉन्ट्रैक्ट का, कि 40 किलोमीटर बाइक का एवरेज होना चाहिए, 1 लीटर तेल भराएंगे तो 40 किलोमीटर चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन बी ऐसा बाइक बेचता है कि वो 40 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर चलता है, तो इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशंस, याद रखिए, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, इट मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। याद रखिए, ब्रीच ऑफ कंडीशंस को ब्रीच ऑफ वारंटी भी माना जाएगा, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि यदि ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड एंड वॉइड हो जाता है, और बायर डैमेजेस के लिए क्लेम भी कर सकता है। इतना ही पॉइंट याद रखना, ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी को ऑप्शन छह। इट इज कोलैटरल मतलब एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल सिक्योरिटी टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिमेंस वैलिड इफ वारंटी इज नॉट सैटिस्फाइड। याद रखिए, एडिशनल बेनिफिट, उस आप जो खरीद रहे हैं उसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं वारंटी, एडिशनल सिक्योरिटी, कोलैटरल बेनिफिट टू मेन कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए वांट टू बाई ए गुड बाइक, मिस्टर ए एक अच्छा बाइक खरीदना चाहता है, चीज को समझिए। बी सो ही में बाइक एंड से इट्स गिव्स यू माइलेज ऑफ 40 किलोमीटर, ए बाय द बाइक बट ही फाइंड इट्स गिव्स ए माइलेज ऑफ 30 किलोमीटर, दिस इज ब्रीच ऑफ वारंटी। चीज को समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा। मिस्टर ए बोलते हैं कि हम अच्छा बाइक खरीदना चाहते हैं, वो कितना किलोमीटर माइलेज देता है मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन भी बेचते समय बोलता है 40 किलोमीटर माइलेज देगा, लेकिन वो उसकी जगह देता है 30 किलोमीटर। लेकिन एक एसेंशियल एलिमेंट क्या था कॉन्ट्रैक्ट खरीदते समय, कि अच्छा बाइक होना चाहिए, उसका माइलेज से हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर भी बी बोल देता है कि 40 देगा, उसकी जगह 30 देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट क्या था उसका कॉन्ट्रैक्ट का, कि एक हमको अच्छा बाइक होना चाहिए, उस बाइक के साथ माइलेज एक क्या एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल सिक्योरिटी है, कोलेट्रल बेनिफिट है, कोलेट्रल सिक्योरिटी, उसी को बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी।
ये इसका क्या है, 30 किलोमीटर दिया तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया। ब्रीच ऑफ वारंटी में सिर्फ डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। याद रखिएगा, इट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं दिया जा सकता। तो कंडीशन क्या, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कंडीशंस। और एडिशनल बेनिफिट विथ, माने एडिशनल बेनिफिट विथ मेन एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज वारंटी। सिंपल सा चीज, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज विच आर एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल कंडीशन मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि ये कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है पॉइंट वाइज लिखा जाएगा। याद रखिएगा, देखो, विच आर एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सप्रेस कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड होगा, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्रेसली कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन लिखा जाएगा, रिटन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एंड द इम्प्लाइड कंडीशन आर दोज विच आर प्रिज्यूम बाय लॉ टू बी प्रेजेंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, माने लॉ के हिसाब से मान लिया जाएगा कि ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए। एक्सप्रेस कंडीशन मतलब पॉइंट बाय पॉइंट वो कंडीशन लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, और इम्प्लाइड कंडीशन मतलब लो के हिसाब से हम उसको प्रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। देखिए, इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब सेलर को ही गुड्स का ऑनर माना जाएगा, सेलर इज द ऑनर ऑफ द गुड्स, सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो बता रहा है उसी हिसाब का माल बेचेगा, सेल बाय सैंपल जो सैंपल दे रहा वही माल बेचेगा, सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से माल बेचेगा, और जो कंडीशन बोलता है क्वान्टिटी का क्वालिटी वही क्वालिटी का माल देगा, ये सब प्रिज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स समझा रहे हैं। कैवियट इम्प्टोर, इसका मीनिंग क्या है, लेट द बायर बीवेयर, मतलब सिंपल सा बात बोल रहा है कि बायर होशियार होना चाहिए, अपना जब माल खरीदे तो खुद देख के खरीदे, सेलर पे जिम्मेदारी ना दे। ध्यान से सुनिएगा जब मैं प्रोविजन पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज मैं सब्जी मार्केट में टमाटर खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं टमाटर जब बाज के ला रहा हूँ, अब घर में लाके देख रहा हूँ कि टमाटर पोचे पोचे निकले हैं, तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरा है, सेलर का जिम्मेदारी नहीं। अब इस प्रोविजन को पढ़ रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। When the seller display their goods in the open market, it is the responsibility of the buyer to select proper goods. If goods turn out to be defective, buyer cannot blame to the seller. The seller has no responsibility for bad selection of the buyer. यदि सेलर ओपन मार्केट में गुड्स दिखा रहा है, उसके बाद बायर बाज के ले जाता है गुड्स को, उसके बाद डिफेक्टिव निकल जाता है, तो सेलर का कोई जिम्मेदारी नहीं है, बायर का गलती। लेट द बायर बिवे, बायर को होशियार होकर रहना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है केवियट इम्प्टोर, ठीक है। ये देखिए, व्हेन द सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू सिलेक्ट प्रॉपर गुड्स। यदि सेलर डिस्प्ले कर रहा है गुड्स ओपन मार्केट में, तब बायर का जिम्मेदारी है कि अच्छा गुड्स को सिलेक्ट करे और ले जाए। यदि गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है तो सेलर का कोई जिम्मेदारी नहीं। इस रूल का तीन एक्सेप्शन से ध्यान से सुनिए, इस केस में रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, देन दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल। व्हेन गुड्स आर नॉट मैच विद सैंपल, मतलब सपोज सेलर ने मुझे दिखाया कि बासमती बासमती चावल हम आपको बेच रहे हैं, इसका सैंपल देखिए, और बाद में वो दूसरा चावल भेज देता है, बासमती नहीं बेचता, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं भेज रहा है, तो ये रूल नहीं चलेगा। व्हेन द सेलर सेल द गुड्स बाय फ्रॉड, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब फ्रॉड करके सेलर बेच रहा है, तब ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। और इन केस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, डिस्क्रिप्शन या के हिसाब से नहीं बेचा, इम्प्लाइड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तब ये रूल अप्लीकेबल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर किसको बोलते हैं, नाम में क्या लिखा हुआ है, देखिए, अनपेड मतलब पैसा पूरा पेड नहीं किया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा किस सर्कमस्टेंसेस में होता है। इफ द कंप्लीट प्राइस इज नॉट पेड बाय द बायर, ठीक है, यदि बायर ने पूरा पैसा नहीं पे किया है। दूसरा, इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय बायर गेट डिसऑनर्ड, समझिए, सपोज मैंने EMI में एक कार लेके आया, ठीक, दोनों में ही हम क्या है, हम बायर है, सपोज वो सेलर अनपेड, उसको पूरा पैसा नहीं पे किए गाड़ी का, तो इफ द कंप्लीट प्राइस इज नॉट पेड बाय द बायर, मैंने जब कार खरीदा तो सिर्फ डाउन पेमेंट करके आए, पूरा गाड़ी का पैसा नहीं दिया, और हम जो चेक दिए EMI को बाउंस हो जाता है। इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय द बायर गेट डिसऑनर्ड, तो उस केस में क्या हो गया, वो हो गया अनपेड सेलर। अब उसका राइट क्या क्या है, देखिए,
राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर। ठीक है, गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट? राइट ऑफ लियन मतलब रिटेन पोजिशन ऑफ द गुड्स, वो कार हमसे वापस ले लेगा। ठीक है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसका मतलब समझिए, व्हेन बायर बिकम इनसॉल्वेंट सेलर कैन रिज्यूम पोजिशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम कैरियर। याद रखिए चीज को समझिएगा, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, माल सेलर आपका रेलवे में लगा दिया सब कुछ, मैं कोई बाई पोस्ट कुछ ईएमआई में मंगाया, ठीक है, मेरा ट्रांजिट में माल पड़ा है और मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वो वापस ट्रांजिट में रोक सकता है कुछ और वो खुद ले जाएगा। तो अनपेड सेलर के समय क्या क्या राइट है? देखिए अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन, माल किसी और को मेरे से लेके बेच सकता है, तो राइट ऑफ लीन मतलब गुड्स को वापस ले सकता है, राइट ऑफ लीन किसी और को बेच सकता है, और यदि वो ट्रांसपोर्ट में माल बेच रहा है तो उसको स्टॉप कर सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इतना ही गुड्स के अगेंस्ट राइट। और बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है अनपेड सेलर का? टू सू बायर, बायर के अगेंस्ट वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है यदि बायर पेमेंट ना दे, डैमेजेस के क्लेम कर सकता है, और इंटरेस्ट यदि उसका जो इंटरेस्ट लगा है पैसा का उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। दो क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो ऊपर में समझाया है। देखिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट एग्जांपल हम फिर से समझाते हैं, मिस्टर एच सेल गुड्स टू मिस्टर आर, मिस्टर एच एग्जाम क्वेश्चन है, मिस्टर एच ने मिस्टर आर को कुछ गुड भेजा, आफ्टर गुड्स सेंड बाय रेलवे, ठीक है, गुड्स जब रेलवे में भेजा जा रहा है, मिस्टर आर बिकम इंसॉल्वेंट, मिस्टर आर इंसॉल्वेंट हो गया, व्हाट राइट मिस्टर एच पोजेस, मिस्टर एच के पास क्या राइट है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, व्हेन बायर बिकम इंसॉल्वेंट सेलर कैन रिज्यूम पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम कैरियर, वापस वो माल अपना कैरियर से ही माने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मंगा लेगा, सिंपल सा। राइट ऑफ द बायर, बायर का क्या क्या राइट है? देखिए नॉर्मल राइट ऑफ द बायर ये आता है, ठीक है, सिंपल राइट ऑफ बायर क्या होगा? टू रिसीव डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको माल मिलना चाहिए। टू सू सेलर इफ डिलीवरी फेल, यदि सेलर टाइमली गुड्स को डिलीवर नहीं करता उसके अगेंस्ट सू कर सकता है, और यदि टू सू सेलर फॉर डैमेज, यदि डैमेज माल देता है उसके अगेंस्ट सू कर सकता है। इतना क्वेश्चन इनफ है, मेरा क्लासेस चाहिए और तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। सीएमए इंटर पेपर सिक्स लॉ एंड एथिक्स में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करेंगे। इस चैप्टर में जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊंगा, जो चीज एग्जाम में आया वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में आजकल सीएमए इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं है। इस चैप्टर से आजकल पूछता है तो एलएलपी एक्ट से पूछता है, जब से एलएलपी एक्ट आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से कुछ नहीं पूछता है। नॉर्मली दो चार क्वेश्चन जो पूछता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपने डिस्कस करेंगे, जो ध्यान से सुनिए याद हो जाएगा, ठीक है। और यदि मेरा क्लास चाहिए तो मेरे चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लेवल टू में आपको मिल जाएगा सारा क्लास विथ पीडीएफ नोट्स, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। पार्टनरशिप का मीनिंग को समझिए, पार्टनरशिप का सिंपल सा मीनिंग है दो और दो से ज्यादा आदमी का रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बोलते हैं, सिंपल भाषा में दो और दो से ज्यादा आदमी का रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बोला जाता है। बुक के लैंग्वेज में क्या होता है? जब दो और दो से ज्यादा आदमी मिलकर कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के बेसिस, चीज को समझिए, दो और दो से ज्यादा आदमी मिलके कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के, दो और दो से ज्यादा आदमी मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या चीज शेयर करेंगे? प्रॉफिट को शेयर करेंगे, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। अब देखिए बुक के हिसाब से क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, ये समझ में आया, दो और दो से ज्यादा आदमी का रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बोलेंगे। प्लस दूसरा पॉइंट क्या, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरियर ऑन बाय ऑल, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मतलब टू और मोर पर्सन का रिलेशनशिप होगा, प्लस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, सिंपल सा दो कंडीशंस होगा, टू और मोर पर्सन रिलेशनशिप प्लस दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो पार्टनरशिप हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा दूसरा मीनिंग, ये चीज को खाली नॉलेज के लिए समझ लीजिए, एग्जाम में नहीं आता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखिए एमसीक्यू आता है इसलिए नॉलेज दे दिया। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स अबाउट देयर राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये एक तो रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स लोगों के बीच में उनके राइट और ऑब्लिगेशन को लेके, मतलब उस एग्रीमेंट में पार्टनर्स का राइट क्या क्या राइट है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या जिम्मेदारी है, पार्टनर्स की लिखी जाती है। अब आ जाइए टाइप ऑफ पार्टनर।
ऑर्गेनाइज। जो रेड हाईलाइटेड है वो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ है। टाइप ऑफ पार्टनर में ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर बाय स्टॉपेल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये नॉलेज के लिए है, एमसीक्यू आता है इसलिए बता दें, वो जित जो चीज आता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर बाय स्टॉपेल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं? ही इज नॉट ए पार्टनर ऑफ द फर्म, ये एक प्रकार का पार्टनर नहीं है बट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए पार्टनर, वो सिर्फ खाली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पार्टनर है, ये फर्म में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, फर्म का एक्चुअल में पार्टनर भी नहीं है, बस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पार्टनर है, पब्लिक के बीच में जाके बोल देगा कि हम एक पार्टनर है, मतलब नेम यूज करेगा, इसका नाम यूज करके फर्म कॉन्ट्रीब्यूशन लाएगा। समझ में आया? कोई सेलिब्रिटी है अपना नाम यूज करने देगा फर्म को कि हम जाके पब्लिक में बोलेंगे कि हम पार्टनर है इस फर्म का, तो पब्लिक लोग इस फर्म को पैसा देगा, तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि हम पार्टनर है, एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं। एंड ही इज लायबल टू दोज हु एडवांसेस मनी टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। इसका लायबिलिटी कौन होगा, इस जो पार्टनर बाय स्टॉपेल का क्या लायबिलिटी की, इसको देख के, इसके नेम को, इसके गुडविल को देख के फर्म को जो आदमी पैसा दे दिया है, वो जो फर्म पैसा लिया है, यदि फर्म पैसा नहीं वापस करेगा उन लोगों का, तो लाइबिलिटी इसी पार्टनर का हो जाएगा। तो इसका लाइबिलिटी है, जो एडवांसेस इसका नाम से लिया गया है उसके लिए ये लाइबल है। तो ही इज नॉट ए पार्टनर, ही इज रिप्रेजेंटेटिव, और ये लाइबल है किसके लिए, जो फर्म एडवांसेस लिया है इसका नाम यूज करके, बस। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये भी सिमिलर टाइप का पार्टनर है। He is declared by others as a partners of the firm and he remains silent. ये खुद को declare नहीं किया कि हम partner है, कोई और represent कर रहा है कि हम suppose partner firm का दूसरा partner है, हम बोल रहे हैं कि सलमान खान मेरा firm का partner है और सलमान खान चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब presume कर लेगा आदमी लोग हाँ ये सही है, तो इसीलिए बोलता है। He is declared by others as a partner of the firm. Others आदमी declare कर रहा है ये partner है और ये silent है, he remains silent. He is liable to those who advances money to the firm on the basis of such declarations. ये उस चीज के लिए liable होगा जो firm को इसका नाम देख के पैसा दिया है, बस। Active partners firm में contribute करता है, बस इतना लिख दीजिएगा। Sleeping partner firm में contribute करता है। Partners in profit only मतलब ये सिर्फ profit का हिस्सा लेगा, loss का हिस्सा नहीं लेगा। अब देखिए next ध्यान से सुनिएगा, next topic में आ रहे हैं। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपल्शन का मीनिंग होता है, एक्सपल्शन मींस फोर्सिंग समवन टू लीव फर्म, मतलब किसी और को अपना फर्म से निकाल रहे हैं, किसी पार्टनर को अपना फर्म से निकाल रहे हैं, सब समझिए। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर कैन नॉट एक्सपेल एनी पार्टनर्स, मेजोरिटी चाहे तो किसी भी माइनॉरिटी को उठा के फेंक नहीं सकता है, ठीक है। एक्सपल्शन डन ओनली इन गुड फेथ एंड एजुअल प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक्सपल्शन किसी को हम तभी निकाल सकते हैं कि गुड फेथ में हो, सही उसको निकालना जरूरी हो और पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये प्रोविजन हो, मतलब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही निकाल सकते हैं और गुड फेथ में होगा तभी हम किसी को निकाल सकते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय द कोर्ट इज इंपॉर्टेंट। कोर्ट कब किसी पार्टनर को निकाल सकता है, इफ अ पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, यदि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए या मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर इफेक्ट ऑन पार्टनरशिप बिजनेस, यदि पार्टनर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है उसके कारण पार्टनरशिप बिजनेस पे इफेक्ट आ रहा है तब निकाल सकते हैं। और दो प्रकार का डिजोल्यूशन होता है, कंपल्सरी डिजोल्यूशन, कुछ पार्टनर लोग मिलकर डिजोल्व करना चाह रहा है फर्म को, कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और डिजोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, मतलब किसी पार्टनर का डेथ हो गया तब निकलना चाहे तो हो सकता है। और एक तो आ जाए मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्टनरशिप एनी बिजनेस, ये बैंकिंग बिजनेस का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या देखिए कोई भी बिजनेस रहे, मिनिमम 2 पार्टनर्स दिखेगा, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स याद रखिएगा, रूल 10 आपका 50 पार्टनर्स को ही अलाउ करता है। माइनर इज ए पार्टनर, माइनर cannot become partner of the firm, but with the consent of all the partners, he can take benefit of the partnership by an agreement through his guardian. वो तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनरशिप में
प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है एज ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, माने सारा पार्टनर का कंसेंट से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साइन कर देगा। उसका साइन कौन करेगा? गार्जियन करेगा। तो सिंपल सा भाषा में माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, माने पार्टनरशिप का यदि प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो इसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लाइबिलिटी ऑफ माइनर, द शेयर ऑफ माइनर इज लाइबल, माइनर का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो लाइबल हो सकता है लॉज के समय में, लेकिन पर्सनली माइनर कभी भी लाइबल नहीं होगा। द शेयर ऑफ माइनर इज लाइबल बट माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का एक डिफरेंस ये याद रखिए, एलएलपी में भी सिमिलर टाइप का डिफरेंस लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। पार्टनरशिप फर्म क्या देखिए, नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन कंपनी और एलएलपी आए तो दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, याद रखिएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी के बारे में जब भी लिखेंगे मेंबर्स होगा और पार्टनरशिप फर्म होगा तो पार्टनर्स होगा, याद रखिएगा। एलएलपी होगा तो भी पार्टनर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मिनिमम दो पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम देखिए मिनिमम दो मेंबर्स है, यहाँ गलती से तीन लिखा गया, तीन होगा तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, प्राइवेट लिमिटेड में दो ही मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। मैक्सिमम 50 मेंबर्स, रूल 10 बोलता है मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट डन बाय पार्टनर्स, मैनेजमेंट कौन देखता है? पार्टनर्स देखता है। यहाँ कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? डायरेक्टर्स देखता है, सब जानते हैं। ओनर कौन है? पार्टनर्स है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर। ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, ऑडिट इज कंपल्सरी, ठीक है, सिंपल सा चीज। और एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, व्हाट आर द राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स? आउटगोइंग पार्टनर्स यूज द फर्म नेम को यूज कर सकता है और रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म, दो सिंपल सा पॉइंट है, और पार्टनरशिप के लिए दिस इज मोर देन इनफ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आज हम लोग सीएमएंट पेपर लॉ एंड एथिक्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे। बस मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया हूँ कि एग्ज़ाम एकदम क्लोज है, एकदम आने वाला है महीना भर के अंदर। सिर्फ पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव सोचना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करना है। नेगेटिव थॉट्स आए तो भी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है, और अपने ऊपर बिलीव रखिएगा, आप एकदम पास कर जाएंगे। अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखिएगा, हम कर सकते हैं, बस यही बोलना है कि आई कैन डू मीन्स आई कैन डू। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, एकदम पास कर जाएंगे। मैं क्लास डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872 में। मैं पूरा चैप्टर को आपको समझाऊंगा और आपको समझने में फोकस करना है, रट्टा नहीं मारना, एकदम समझना है। अब सिर्फ समझने का टाइम है, एकदम लोग को रटना नहीं है कभी भी, सिर्फ समझिए, ठीक है। ये एक्ट आया था 1 सितंबर 1872 को। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझा रहा हूँ, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज होना चाहिए, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और वह एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एक एग्रीमेंट होगा और वह एग्रीमेंट लीगली बाउंड होना चाहिए। सीधा सा मतलब कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मीनिंग यही है कि एक एग्रीमेंट होगा और वह एग्रीमेंट लीगली बाउंड होगा, समझे? एन एग्रीमेंट प्लस लीगल बाउंडिंग, दो वर्ड कवर है कॉन्ट्रैक्ट मतलब। एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज मैंने बैंक से एक लोन लिया, ठीक है, तो मेरा और बैंक के बीच एक एग्रीमेंट बना, ठीक है। अब जब एग्रीमेंट बना, सपोज मैं बैंक का पैसा नहीं दूंगा तो मेरी लीगल लाइबिलिटी आ जाएगी, लीगल बाउंड हूं मैं पैसा बैंक का देने के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, जब बैंक से मैं लोन ले रहा हूं तो एग्रीमेंट भी है प्लस लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल बाउंडिंग भी है मेरा लोन का पेमेंट के रिगार्ड में, ठीक है। आगे थोड़ा सा एक चीज देखिए, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या, एग्रीमेंट का कैरेक्टरिस्टिक समझ जाइए, आप मीनिंग समझ जाएंगे। एग्रीमेंट मीन्स टू और मोर पार्टीज मेक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होगा, दो और दो से ज्यादा पार्टी एग्रीमेंट बनाएगा प्लस बोथ पार्टीज एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम मैनर। मतलब दो और दो से ज्यादा पार्टी एग्रीमेंट बनाता है और दोनों पार्टी सेम थिंग के रिगार्ड में एग्री होता है। एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। और एग्रीमेंट का एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, तो प्रॉमिस में क्या होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप अच्छा से समझिए। मैं एक बैंक से लोन लेता हूं, ठीक है, तो मैं जब बैंक से लोन लेता हूं तो बैंक सपोज मुझे 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। तो बैंक ने मुझे ऑफर किया कि आप 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लीजिए, तो मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, बैंक ने मुझे लोन दे दिया। अब जो लोन मैंने ले लिया उसकी मेरी मेरी क्या हो गई, लीगल लाइबिलिटी आ गई लोन को रिपे करने की। तो चीज़ ऐसा समझिए, कॉन्ट्रैक्ट में सारा चीज कवर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशंस। और एग्रीमेंट में क्या कवर हो जाता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ये तीन चीज मिला देंगे तो एक एग्रीमेंट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मीनिंग है एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट की लीगल ऑब्लिगेशंस या लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए। बस आगे नेक्स्ट नेक्स्ट चीज पे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए, देखिए, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होता है। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है, डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट है इसमें। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लीगल रिलेशनशिप एंड नॉट डिक्लेयर वॉइड, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है, देखिए ऑफर मतलब होता है प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी टू इंटर इनटू ए लीगल एग्रीमेंट। एक पार्टी दूसरा पार्टी को एक प्रपोजल देगा, एक ऑफर देगा कि आप लीगल एग्रीमेंट में इंटर हो जाओ। जैसे बैंक मेरे को दे रहा है कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन का प्रपोजल दे रहा है, मैं चाहूंगा तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। तो प्रपोजल बाय वन पार्टी मतलब बैंक एक पार्टी है और दूसरा पार्टी मैं हूं। ठीक है, तो प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी टू एंटर इनटू ए लीगल एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं ऑफर। एक एन एसेंशियल और वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। ठीक है, ऑफर मतलब समझ में आ गया, प्रपोजल एक पार्टी दूसरा पार्टी को एक प्रपोजल देगा एक लीगल एग्रीमेंट का इंटर करने के लिए। एक पार्टी दूसरा पार्टी को एक प्रपोजल देगा, उसी को ऑफर बोलते हैं। और एक ऑफर का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखिए, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक जो है एक पार्टी दूसरा पार्टी को वो चीज को कम्युनिकेट करेगा, बताएगा। इट मस्ट बी सर्टन डेफिनाइट एंड नॉट वेग्यू, मतलब ऑफर हमेशा एकदम क्लियर होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, डेफिनाइट एकदम क्लियरली, जो टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफर का एकदम क्लियर होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। और इट मे बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस माने रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इट मे बी जनरल, जनरल मतलब ऑफर पूरा सब पब्लिक के लिए भी हो सकता है और स्पेसिफिक आदमी को भी हम ऑफर दे सकते हैं। तो ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक, डिटेल में बताऊंगा जनरल स्पेसिफिक क्या होता है। और इट मे बी कंडीशनल और अनकंडीशनल। ऑफर कंडीशन का भी हो सकता है, कंडीशन दे के भी हम एक ऑफर दे सकते हैं, विदाउट कंडीशन दे के भी हम ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, ऑफर मतलब सिंपल सा मीनिंग, एक प्रपोजल, एक पार्टी दूसरा पार्टी को एक प्रपोजल देता है। ठीक है, एक लीगल एग्रीमेंट में इंटर करने को, उसी को बोलते हैं ऑफर। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ ऑफर आप समझिए, ये एक ऑफर का एक एसेंशियल माने रिक्वायरमेंट है। ऑफर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऑफर एक डेफिनाइट होगा, स्पेसिफिक होगा, ऑफर एक्सप्रेस में भी दे सकते हैं, इम्प्लाइड में भी दे सकते हैं, और ऑफर सबको दिया जा सकता है, स्पेसिफिक पर्सन को भी दिया सकता है। ऑफर कंडीशनल का भी हो सकता है, विदाउट कंडीशन भी हो सकता है। इट मे बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल ही होना चाहिए जनरली। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑफर में आपको समझ में आएगा कहानी। जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है।
ऑफर टू पब्लिक, पूरा सबको एक ऑफर दे दिया गया है कि ये सारा पब्लिक के लिए है, ऑफर टू पब्लिक एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने का दरकार नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज मेरा बच्चा खो गया मेला में, मैं एक ऑफर दिया कि मेरा बच्चा को मेला से जो भी खोज के लाएगा मैं उसको 10,000 रुपये दूंगा, तो ये ऑफर टू पब्लिक, ये पब्लिक के लिए था ऑफर, कोई भी मेरा बच्चा को खोज के लाएगा तो मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा, तो ये जनरल पब्लिक के लिए ऑफर, तो इसको बोलते हैं जनरल ऑफर। एक स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर होता है मैं एक पार्टिकुलर आदमी को ही बोला, मिस्टर एक्स को ही मैं बोला कि तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम यदि मुझसे लोन लोगे तो मैं इसको तुमको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे दूंगा क्योंकि तुम्हारा सिविल अच्छा है। बैंक ने स्पेसिफिक ऑफर दिया पार्टिकुलर पर्सन को, तो ये होता है ऑफर टू ए पार्टिकुलर पर्सन, बट इस स्पेसिफिक ऑफर में एक्सेप्टेंस बाय हिम, वो आदमी उसको एक्सेप्ट करेगा तभी माना जाएगा, ठीक है। प्लस एक्सेप्टेंस नीड टू बी कम्युनिकेटेड, और वो आदमी उस चीज को कम्युनिकेट करेगा। जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने का दरकार नहीं है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में जो आदमी उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो आदमी को कंफर्म करेगा कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं। काउंटर ऑफर, मॉडिफिकेशंस बाय ऑफरी इन ओरिजिनल ऑफर, ओरिजिनल ऑफर में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिया, जैसे मैंने आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑफर दिया, बैंक में जो बैंक को मैंने आपको ऑफर दिया, तो आपने कहा कि मैं 6% में नहीं लूंगा, 5.95 में लूंगा, कुछ मॉडिफाई कर दिया, मैं एग्री हो गया, तो उसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर, कि आपने काउंटर करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। काउंटर मीन्स मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑफर। क्रॉस ऑफर, सिमिलर ऑफर मेड बिटवीन द पार्टीज विदाउट नोइंग इट, आपको भी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन चाहिए, मैं भी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना चाहता हूं, तो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, दोनों एक साथ ऑफर दे दिए, तो काउंटर ऑफर हो गया, मतलब एक ही ऑफर को दोनों दे रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। सिमिलर ऑफर मतलब सेम ऑफर मेड होगा बिटवीन द पार्टीज विदाउट नोइंग इट। एंड स्टैंडिंग ऑफर मतलब ऑफर रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया और 3 महीना तक मैंने कहा कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये क्या है, आपके लिए ओपन था 3 महीना तक, इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया एक्सेप्टेंस, चीजों को समझिए। ऑफर मतलब एक प्रपोजल, एक आदमी दूसरा आदमी को प्रपोजल दे रहा है, उसके बेसिस में एक एग्रीमेंट बनेगा, उसके बेसिस में एक लीगल एग्रीमेंट बनेगा, तो बेसिकली ऑफर मतलब समझ में आएगा एक प्रपोजल, एक आदमी ने दूसरा आदमी को प्रपोजल दिया उसी को बोलते हैं ऑफर। और एक्सेप्टेंस मतलब इट मींस गिविंग कंसेंट टू द ऑफर, आपने मुझे ऑफर दिया उस ऑफर को मैं एग्री कर रहा हूं, उसके रिगार्ड में मैं कंसेंट दे रहा हूं, उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। इट मींस गिविंग कंसेंट टू द ऑफर के रिगार्ड में कंसेंट देने को ही एक्सेप्टेंस बोलते हैं। मैं आपको ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, बैंक ने मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया, मुझसे एक्सेप्ट किया उस लोन को, तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मैं बैंक को बताऊंगा मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कम्युनिकेट किया जाएगा ऑफरर को। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेंस में आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, ऑफर में आप कंडीशन लगा सकते हो, एक्सेप्टेंस में नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ कंफर्म करना है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इट मस्ट बी गिवेन विदाउट रीजनेबल टाइम, ठीक है, इट मस्ट बी गिवेन विद इन, इसके लिए कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा, विद इन रिजनेबल टाइम होना चाहिए। देखिए अब आ गया नेक्स्ट कंसिडरेशंस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कंसिडरेशंस क्या चीज होता है, ध्यान से समझिए कंसिडरेशंस होता क्या है, ठीक है। कंसिडरेशंस मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न मतलब सपोज आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके रिगार्ड में आपको कुछ देना पड़ेगा रिटर्न में। सपोज मैं आपको घर बेच रहा हूं, तो आप मुझसे घर खरीद रहे हो, तो घर के रिगार्ड में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, समथिंग इन रिटर्न। जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो लोन ले रहे हो तो लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो समथिंग इन रिटर्न, उस ऑफर के बदले आपको कुछ देना पड़ेगा रिटर्न में, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग के बीच, दो पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसका एक प्राइस, जो पेमेंट होता है, उसी को कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन इज द एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है घर बेचने का, तो बी उसको घर बेचने का पैसा देगा,
तब उसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसमें कंसिडरेशंस होगा। अब देखिए कंसिडरेशंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट मस्ट बी लीगल। कंसिडरेशन हमेशा लीगल कंसिडरेशंस होना चाहिए। समथिंग इन रिटर्न, ये आपको पता है, इट मस्ट बी रियल एंड कॉम्पोनेंट कॉम्पोटेंट। कॉम्पोटेंट मीन्स होता है वैल्यूएबल। जैसे आप टीचर से आप सर्विस ले रहे हो तो उसके रिगार्ड में आप कुछ उसको फीस दोगे, अब वो खाली उनका रेस्पेक्ट करोगे तो ये कॉम्पोटेंट नहीं होगा, माने वैल्यूएबल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल और इलीगल नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का भी हो सकता है, कोई सू नहीं है। इट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर का डिजायर के हिसाब से मूव हो सकता है। और एक लाइन लिखा, इट्स मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या होगा, चीज को समझ, मैं आपसे पैसा पाता हूं, ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ घर को बेचने का, चीज को समझ। तो बी बोलता है, ए बी से पैसा पाएगा घर बेचने के रिगार्ड में, तो ए बोल सकता है कि आप मेरे रिगार्ड में आप सी को दे दो। मतलब मैं बी से पैसा पाता हूं और मैं बी को बोल दूंगा कि आप सी को मेरे बिहाफ में पेमेंट दे दो, तो भी चलेगा। कंसिडरेशन मूव ऑन हो सकता है। इट्स मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो पैसा पाता है उसके डिजायर के हिसाब से अपने मूव ऑन कर सकते हैं, वो किसी एक्स वाई जेड को भी पैसा दिला सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में केस लॉ आया हुआ है, उसमें बोला गया है कि एक ओल्ड लेडी अपने बेटी के नाम पे घर ट्रांसफर कर देती है और बेटी को बोलती है कि इस घर का जो भी रेंट होगा आप मेरे अपने मामा को दे देना। तो लेडी क्या करती है कि मामा को पैसा देना देती ही नहीं, एक महीना देके बंद कर देती है। तो मामा जी उस पर केस कर देते हैं और जीत जाते हैं। तो एक कंसिडरेशन मूव ऑन हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी के पास। माँ अपना कंसिडरेशन अपने भाई के पास ट्रांसफर कर सकती है। इट मस्ट बी एडिक्वेट ऑब्लिक इनएडुकेट। कंसिडरेशन एडुकेट भी हो सकता है, इनएडुकेट भी हो सकता है। जैसे मैं 50 लाख का फ्लैट 10 लाख में भी बेच सकता हूँ और मैं 16 लाख में भी बेच सकता हूँ। मैं 10 रुपए का पेन 1 रुपए में भी बेच सकता हूँ। उसका एडुकेट भी हो सकता है, कंसिडरेशन का कोई लिमिट नहीं है। एडुकेट भी हो सकता है, अनएडुकेट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो रूल है, एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सीधा फंडा है, यदि कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इसका कुछ रूल्स एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शन को समझिए। बोलता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शंस। प्रॉपर्टी गिवन टू रिलेटिव्स या फादर गिफ्ट्स, पापा अपने बेटे को बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। पापा अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, चीज को समझिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब पापा फादर अपने सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट बना के। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है विदाउट कंसिडरेशन को, क्योंकि एक्सेप्शन मिला हुआ है इसको। ये 4 पॉइंट है जहां एक्सेप्शन मिला हुआ है उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट, यदि गिफ्ट गिवन थ्रू गिफ्टेड, गिफ्टेड के थ्रू यदि आप गिफ्ट देते हैं किसी को गिफ्टेड के थ्रू, तो भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पेमेंट ऑफ वॉलंटरी सर्विस। वॉलंटरी सर्विस मतलब, चीज को समझिए, सपोज रोड में जो है मदारी बंदर का डांस दिखा रहा है, मुझे उसका सर्विस अच्छा लगा, मैं उसे 100 रुपया दे दिया, मैं उसका सर्विस देख के। तो वॉलंटरी सर्विस के रिगार्ड में आप यदि कुछ देते हो तो वो भी वैलिड है। बेलमेंट मतलब अपने फ्रेंड्स को नोट्स वगैरह दे दिए तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मींस पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू टू ईच अदर बट थर्ड पार्टी कैन नॉट सू। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो दो पार्टी है वो एक दूसरा के अगेंस्ट सू कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं कर सकते। लेकिन यदि थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी इंटरेस्ट होल्ड करेगा तब वह कर सकता है। ठीक है, अब देखिए माइनर कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज ए मेजर एंड अदरवाइज ही विल बी ट्रीटेड एज माइनर्स। मतलब जिसका 18 साल उम्र हो गया उसको मेजर मान लेंगे और उससे कम वाला को क्या मानेंगे, माइनर मान लेंगे। मतलब 18 साल से जो कम उम्र का होगा, 16 साल 17 साल, उसको माइनर मान लिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला है, चीज को समझिएगा इसका पॉइंट सब।
ऑल एग्रीमेंट ऑफ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग. माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट बनेगा वो वॉइड ही माना जाएगा, इलीगल ही माना जाएगा स्टार्टिंग से ही. माइनर इज नेवर पर्सनली लाइबल, माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं है. मतलब ये समझ में आ गया कि माइनर का सारा एग्रीमेंट वॉइड होता है और माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं है. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. माइनर्स प्रॉपर्टी इज लाइबल फॉर नेसेसरीज. माइनर का प्रॉपर्टी लाइबल है कहां तक? नेसेसरी आइटम के लिए. नेसेसरी आइटम मतलब फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन. ठीक है, नेसेसरी रिकवर फ्रॉम माइनर प्रॉपर्टी. यदि नेसेसरी कुछ होगा तो उसको माइनर का प्रॉपर्टी बेच के रिकवर किया जाएगा. एग्जाम्पल, माइनर ने एजुकेशन लोन ले लिया अपने पढ़ने के लिए. अब माइनर का यदि एजुकेशन लोन का यदि माइनर माने पैसा नहीं देता है तो माइनर का प्रॉपर्टी बेच के एजुकेशन का लोन का पैसा लिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन एक नेसेसरी आइटम है. तो एजुकेशन लोन रिकवर फ्रॉम माइनर प्रॉपर्टी. तो माइनर प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर नेसेसरीज. नेसेसरी मतलब फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एटसेट्रा, जो नेसेसरी आइटम है. ठीक है, माइनर प्रॉपर्टी किस चीज के लिए लायबल है? सिर्फ नेसेसरी के लिए लायबल है. माइनर कैन नेवर बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. और माइनर कैन बिकम बेनिफिशियरी. माइनर को हम बेनिफिशियरी बना सकते हैं लेकिन पार्टनर नहीं बना सकते. याद रखिए, कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ द फर्म. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं. देखिए नेक्स्ट टॉपिक बोलता है लुनेटिक्स. लुनेटिक्स मतलब अनसाउंड माइंड. और अनसाउंड माइंड के साथ यदि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनवैलिड है. सेम ट्रीटमेंट इज माइनर, क्योंकि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनवैलिड है, इसलिए लुनेटिक्स के साथ भी इनवैलिड होगा. फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट मतलब कंसेंट गिवन बाय ऑल द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ देयर फ्री विल विदाउट एनी फियर, फोर्स, थ्रेट एंड कंपल्सन. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में जितना पार्टी होगा वो अपना इच्छा से बोलेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहते हैं. मेरे कोई धमकाया नहीं है, कोई डराया नहीं है, कोई थ्रेट नहीं दिया, कोई फियर नहीं दिया. तो फ्री कंसेंट होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए पार्टी अपना मन से, अपना विल से कंसेंट देगा. समझ में आया? तो उसे बोलते फ्री कंसेंट. कंसेंट गिवन बाय ऑल द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ देयर फ्री विल विदाउट एनी फियर, फोर्स, थ्रेट एंड कंपल्सन. अब देखिए, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज बाय. एक कंसेंट को फ्री तभी बोला जाएगा जब वो इस रीजन से कॉज नहीं होगा. क्या क्या रीजन है? देखिए, कोर्शन. कोर्शन मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट. मतलब मार देंगे या आपको धमकाएंगे कि हम मार देंगे. या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटेनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. आपका प्रॉपर्टी मैं अनलॉफुल तरीका से ले लिया हूं या धमका के ले लिया हूं. यदि आपको धमका के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब होता है सुपीरियर पार्टी यूज हिज डोमिनेंट पोजिशन टू कंट्रोल स्मॉल पार्टी. मतलब एक बड़ा पार्टी, एक पैसा वाला है, एक गरीब को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा रहा है, तो उसको बोलते अनड्यू इन्फ्लुएंस. मतलब अपना डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके आपको कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है. तो यदि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. फ्रॉड. इंटेंशन टू डिसीव. फ्रॉड मतलब होता है कि इंटेंशनली उसने बदमाशी की है. फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विथ इंटेंशन मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जान मूझ के बनाया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. और मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब नो इंटेंशन टू फ्रॉड. मेरा फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं था बट फ्रॉड हो गया. फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेरा इंटेंशन नहीं था लेकिन गलती से हो गया, एक एरर हो गया, तो उसको बोलते मिस रिप्रेजेंटेशन. और मिस्टेक होता है, मिस्टेक भी हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. और मिस्टेक ऑफ लो इज नॉट अलाउ. यदि लो का कोई मिस्टेक होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. साइलेंस को फ्रॉड नहीं मानते हैं. एग्जाम्पल, दो तो चीजें देखिए, दो केस है, दो एक्सेप्शंस दिया गया है. उस केस में चीज को समझिए अच्छा से. ठीक है, ध्यान से सुनिए. साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता है. ठीक है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. साइलेंस को फ्रॉड नहीं मानते. सिर्फ दो केस में साइलेंस फ्रॉड हो जाएगा. वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक. जब आपकी जिम्मेदारी है बोलने की, आप नहीं बोलते हो. एग्जाम्पल समझिएगा,
मैं बैंक मैनेजर हूं, मैं बैंक का कैशियर में बैठा हूं, ठीक है। एक आदमी आया, केस से पैसा उठाया और लेके चल गया, मैंने उसे कुछ बोला ही नहीं, मैं चुपचाप साइलेंट था, तो ये गलत हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है उस आदमी को रोकने की, उस आदमी को बोलने की, आप पैसा नहीं ले सकते हो। तो वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, जब जिम्मेदारी है बोलने की तब बोलना पड़ेगा, नहीं तो साइलेंस फ्रॉड मान लिया जाएगा। और दूसरा केस है वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस स्पीच के इक्विवेलेंट हो गया। मैं किसी लड़की को देखने गया और उसको घर वालों को बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं, लड़की चुपचाप है, इक्विवेलेंट टू स्पीच। तब ये दो केस में, यदि आप इस दो केस में साइलेंस फ्रॉड हो जाएगा, अदरवाइज साइलेंस को फ्रॉड नहीं मानते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिस इज इनफ। थैंक यू।